दोस्तों थियोडोर रूजवेल्ट से जब कोई मिलने जाता था तो मिलने के बाद उनकी तारीफ करते थकता नहीं था। हर कोई उनसे मिलके उनके नॉलेज की तारीफ जरूर करता था, कोई भी, फिर चाहे वो कोई काउबॉय हो या कोई पॉलिटिशियन। मगर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का राज क्या है? नहीं? थोड़ा सा सब्र कीजिए, इसका जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, एक इंसान हमेशा ये चाहता है कि कोई ना कोई उसे पसंद करे। एक बॉस चाहता है कि उसके एम्प्लॉइज उसे पसंद करें, टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स उसे पसंद करें, माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे उन्हें पसंद करें, प्रेमी चाहता है उसकी क्रश उसे पसंद करे, पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे पसंद करे, वगैरह वगैरह। दोस्तों अगर आप भी किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो फिकर नॉट। बुक इनसाइट्स के आज के वीडियो में मैं आलोक आपके लिए लेकर आया हूँ टेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिए गए 6 ऐसे स्टेप्स जो किसी भी इंसान को आपको लाइक करने पर मजबूर कर देगा। आई एम श्योर दोस्तों इन स्टेप्स में से काफी ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको पहले से ही पता होगा मगर आप उस पर ध्यान नहीं देते होंगे। तो चलिए दोस्तों लोगों से बात करने की भीख मांगना छोड़ते हैं और शुरू करते हैं जनाब आज की किताब। पहला पॉइंट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन देम। दोस्तों न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने जब कुछ टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी किया तो उन्हें यह पता चला कि फोन पे बात करते समय सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वर्ड है आई, यानी मैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप से कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है। आप खुद ही एक एग्जांपल लीजिए, जब आप अपने किसी एक ग्रुप फोटोग्राफ में देखते हैं तो आप सबसे पहले किसे ढूंढने की कोशिश करते हैं? खुद को ही ना। तो अगर यही इंटरेस्ट एक इंसान को किसी दूसरे से बिना मांगे मिल जाए तो क्या वो इंसान उससे इंप्रेस नहीं होगा? यही है दोस्तों किसी भी इंसान के दिलो दिमाग में अपने लिए जगह बनाने का सबसे पहला तरीका, कि आप उनमें इंटरेस्टेड होइए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए और कोशिश करिए कि जब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो तो उन्हें ये दिखाई दे कि आप उनमें कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। एग्जांपल के तौर पर दोस्तों आपने ये देखा होगा कि बहुत से कंपनीज अपने कस्टमर्स की डेट ऑफ बर्थ स्टोर करके रखते हैं और उनके बर्थडे के दिन उन्हें विश करते हैं, उन्हें स्पेशल ऑफर्स देते हैं। इससे उस कस्टमर के दिल में एक अपनापन आ जाता है कि हाँ मेरी यहाँ इज्जत है। तो इसीलिए दोस्तों जिसके सामने आप अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं उसमें जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएं और अपनी बातों से उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं, फ्रेंडली फील कराएं। उन्हें किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे जबरदस्ती बात कर रहे हैं। अपनी आवाज और अपनी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी और एंथुसियाज्म लाइए। एग्जाम्पल के तौर पर इसी वीडियो को लीजिए, अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं कि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो किसी भी इंसान को आपको पसंद करने पर मजबूर कर देगी, तो आपको पता है कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? वो नीचे जो डिसलाइक का बटन दिख रहा है ना, लोग उस पर होली खेल के निकल जाएंगे। दोस्तों काफी जगह रिसेप्शनिस्ट को भी यही देख के काम पे रखा जाता है कि वो कस्टमर्स को अपनी बातों से कितना ज्यादा कंफर्टेबल फील करा पाते हैं, कितने ज्यादा फ्रेंडली तरीके से उनसे बात कर पाते हैं, क्योंकि कंपनीज ये बात अच्छी तरह जानती है कि ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही लोग उनसे इजीली कनेक्ट हो पाते हैं और वहां बार बार आना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट, स्माइल। दोस्तों रे टाउन मिसौरी के एक पशुओं के डॉक्टर डॉक्टर स्टीफन के स्प्राउल का एक मजेदार किस्सा है। उस दिन भी रोज की तरह कुछ क्लाइंट्स अपने पालतू जानवरों की जांच कराने उनके पास आए थे। सबके सब एक वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। लंबी लाइन होने की वजह से सब चिढ़े हुए थे, कोई किसी से बात करने की परवाह ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक एक महिला अपने 9 महीने के बच्चे और अपनी बिल्ली के साथ अंदर आई और एक जेंटलमैन के बाजू में बैठ गई। बस अब हुआ ये कि उस 9 महीने के बच्चे ने ऊपर उस जेंटलमैन को देखा और जोर से मुस्कुरा दिया। बदले में उस आदमी ने भी वापस मुस्कुराया और उसकी माँ से उस बच्चे का नाम पूछा और कहा आपका बच्चा बड़ा प्यारा है। उनकी माँ ने भी जवाब दिया और ऐसे ही बात होते होते धीरे धीरे पूरा का पूरा रिसेप्शन उस बातचीत में जुड़ गया। एक ही झटके में वहाँ का पूरा माहौल ही बदल गया। मगर दोस्तों क्या आपको याद है कि ये बोरिंग जगह को इंटरेस्टिंग बनाने की शुरुआत किसने की? उस छोटे से बच्चे की, उस मासूम सी मुस्कुराहट ने। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराहट, स्माइल, बहुत ही सिंपल सी चीज है मगर फिर भी लोग भूल जाते हैं। स्माइल एक एक्शन है जिसका छुपा हुआ मतलब यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। ऑथर ने एक बार अपने एक सेशन में लोगों से ये कहा कि वो अगले 1 हफ्ते तक दिन के हर एक घंटे में किसी न किसी को देख के स्माइल करें और फिर 1 हफ्ते बाद वापस आके उन्हें ये बताए कि उन्हें क्या फायदा हुआ। और दोस्तों 1 हफ्ते बाद तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की बाढ़ आ गई। न जाने कितने लोगों ने कहा कि उनकी स्माइल की स्ट्रेटेजी ने तो जादू ही कर दिया। स्टेनहर्ड नाम के एक व्यक्ति ने ये कहा कि उसकी शादी को 18 साल हो चुके थे और इतने सालों में उसने शायद ही कभी अपनी बीवी को देख कर स्माइल किया होगा या हंस के दो बोल बोले होंगे। जिंदगी की दौड़ में भागते भागते वो इतना बिजी हो गया था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी का रस ही खत्म हो गया था। मगर जब एक रोज उसने सुबह उठकर नाश्ते के टेबल पर अपनी बीवी को देखकर स्माइल किया तो उसकी बीवी पूरी तरह चौंक पड़ी। उसके बाद वो रोज यही चीज दोहराने लगा और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा और उनकी जिंदगी काफी ज्यादा खुशहाल हो गई। दोस्तों एक छोटी सी स्माइल बड़ा ही गजब का जादू करती है। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में खुशी नहीं है, जो स्ट्रेस से घिरे हुए हैं, जिन्होंने हर किसी को बस उन्हें इग्नोर करते हुए या उनसे मुंह फेरते हुए देखा है, ऐसे लोगों के लिए आपकी एक छोटी सी स्माइल एक वरदान का काम करती है। तीसरा पॉइंट, रिमेम्बर द पर्सन्स नेम। दोस्तों केन नॉटिंगहैम जब इंडियाना के जनरल मोटर्स में काम किया करते थे तो वो काफी टाइम कंपनी कैफेटेरिया में ही लंच करते थे।
वहाँ कैफेटेरिया के काउंटर पे काम करने वाली महिला हमेशा एक चिड़चिड़े मिजाज में रहती थी। केन भी उसके लिए एक रोजाना कस्टमर जैसे ही थे। मगर एक दिन केन ने कुछ अलग करने का सोचा। उन्होंने उसके नेम टैग को देखा और स्माइल करके उसे उसके नाम से पुकारा, हेलो यूनिस, और फिर हर रोज की तरह उसे कहा कि उन्हें खाने में क्या चाहिए। अब हुआ ये कि अचानक किसी से अपना नाम सुन के वो इतना ज्यादा खुश हुई कि उसने उनके प्लेट को खाने से भर दिया। नॉर्मली जितना खाना वो सबको देती थी उससे दुगना। यही है दोस्तों किसी को उसके नाम से पुकारने का कमाल। सुनने में तो बहुत ही छोटी सी चीज है मगर बहुत ज्यादा असरदार है। दोस्तों हमारे मूवीज में भी आपको इसके कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। वीर ज़ारा की मूवी एक कैदी के बारे में है जिसका केस लड़ने एक वकील आती है, मगर वो कैदी जिसने इतने सालों से अपनी कहानी किसी को नहीं बताई थी, इतने सालों से किसी से बात तक नहीं की थी, उसने एक अनजान व्यक्ति को सब कुछ कह डाला। जब उस वकील ने उनसे पूछा कि आपने मुझे ही सब कुछ क्यों बता दिया, इस पे उस कैदी ने कहा कि जब से वो उस कैद में है हर कोई उसे कैदी नंबर 786 के नाम से बुलाता है। इतने सालों बाद उस वकील ने ही उसे उसके असली नाम वीर प्रताप सिंह के नाम से बुलाकर उसे इज्जत दी, इसीलिए उसने बेझिझक उसे सब कुछ कह डाला। तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। नाम ही एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग करता है, उसे उसकी पहचान देता है। इसीलिए जब हम किसी को उसके नाम से याद रखते हैं, उसे उसके नाम से बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उससे कहते हैं कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपका नाम याद रखने की मेहनत की है। मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादा लोग नाम याद रखने की तकलीफ उठाते ही नहीं। दोस्तों इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने इसी नाम याद रखने की तकनीक से काफी कुछ हासिल किया है। लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम ज्यादा लोगों के नाम को याद रख सके। मगर दोस्तों क्या आप अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से भी ज्यादा बिजी हैं, जो कि पूरा का पूरा देश संभालते थे, मगर फिर भी वो जिससे भी मिलते थे, चाहे वो एक मैकेनिक ही क्यों ना हो, उसका भी नाम याद रखते थे। नेपोलियन III जो कि फ्रांस के राजा और नेपोलियन बोनापार्ट के भांजे थे, उन्होंने भी ये कहा है कि वो अपने सारे राजसी कामों को करने के बावजूद भी वो हर किसी के नाम को याद रखते थे जो भी उनसे मिलने आता था। वो उनसे बात करते वक्त बार बार उस नाम को दोहराते थे जब तक वो नाम उन्हें याद ना रह जाए। लेकिन इन सब के बावजूद दोस्तों लोगों का नाम लेकर उन्हें बुलाने में एक खतरा भी है कि अगर गलती से आपने गलत नाम ले लिया या गलत प्रोनाउंस कर दिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। एक बार ऑथर एक डिनर पार्टी में एक बॉटनिस्ट से मिले। वो पहले कभी किसी बॉटनिस्ट से मिले नहीं थे और वो आदमी भी उन्हें दिलचस्प लगा, इसीलिए वो पूरा वक्त अपनी चेयर की एज पर बैठकर उसकी बातों को गौर से सुनने लगे। वो उनसे उनके पौधों के बारे में और इंडोर गार्डन्स के बारे में बात करता। ऑथर की खुद की भी एक इंडोर गार्डन थी और उसने उन्हें उस गार्डन को सही तरीके से संभालने के तरीके भी बताए। जब पार्टी खत्म हुई तो उस बॉटनिस्ट ने होस्ट के पास जाके ऑथर की खूब तारीफ की और आखिर में ये कहा कि वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनलिस्ट है। मगर क्या वाकई कन्वर्सेशनलिस्ट का मतलब होता है जो आदमी बातचीत करने में बहुत अच्छा हो? मगर यहाँ तो ऑथर ने शायद ही कुछ कहा होगा क्योंकि उन्हें तो बॉटनी के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो फिर उसने उन्हें इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशनलिस्ट क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों ऑथर ने भले ही कुछ भी नहीं कहा मगर एक उससे भी ज्यादा असरदार काम किया। उन्होंने उसकी बात को पूरी तरह सुना, जो कुछ भी उसने कहा बड़े ध्यान से और बड़े अटेंशन के साथ, और इसी वजह से बॉटनिस्ट को उनके साथ वक्त बिता के बहुत ज्यादा खुशी हुई। सुनना एक कला है दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी कला, और ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आपने कभी संदीप माहेश्वरी सर का शो देखा है? उसमें जब उनका कोई गेस्ट वहां आके ऑडियंस से बात करता है तो वो भी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे समराइज करके ऑडियंस को फिर से समझाते हैं कि उनके गेस्ट ने क्या बोला। इससे उस गेस्ट को भी रिस्पेक्ट मिलती है ये देखिए कि उनकी बात न केवल ऑडियंस बल्कि खुद संदीप सर भी ध्यान से सुन रहे हैं और उसे समराइज भी कर रहे हैं। इन्होंने दो बातें बोली हैं, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है इन्हीं की बातों को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। कहते हैं मेनी पर्संस कॉल अ डॉक्टर व्हेन ऑल दे वांट इज एन ऑडियंस। बहुत लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के चक्कर में डॉक्टर्स को दिखाने लगते हैं, दवाइयां लेने लगते हैं, मगर बहुत बार इस सब प्रॉब्लम का एक छोटा सा सलूशन होता है, अपने दिल में दबी चीजों को किसी को कह देना, अपना मन हल्का कर देना। इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं दोस्तों जो रहते तो भीड़ में हैं, मगर हैं बिल्कुल अकेले। उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनकी बातें सुने, उनकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाए बिना उनका दुख दर्द बांटे। अब ऐसे में अगर उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उनकी बातें ध्यान से सुने तो क्या वो उसके आसपास रहना पसंद नहीं करेंगे? मगर हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो किसी की बात ध्यान से सुनते ही नहीं। इनफैक्ट अगर कोई उनसे कुछ भी कहता है तो वो उस पे अपनी कोई बात कहकर अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। हमारा बेटा आदित्य हर साल अपने कॉलेज में फर्स्ट आता है। अच्छा लगता कि भाजी रोज कॉलेज में फर्स्ट आती है रोज। याद रखिए दोस्तों, ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता और सब उनकी पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। अगर कोई कभी भी आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ बताने की कोशिश कर रहा है तो उसे बीच में टोका ना करें। अगर आपको कुछ भी कहना है तो पहले रुकिए, उसे अपनी बात खत्म करने का मौका तो दीजिए, फिर उसने जो बात कही उससे रिलेटेड एक दो बात करें ताकि उसे लगे कि आपने उसकी बात ध्यान से सुनी, और उसके बाद आपको जो कहना है आप कहिए। पांचवा पॉइंट, टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट।
दोस्तों वक्त आ चुका है कि हम वापस चलें उस सवाल पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि थियोडोर रूजवेल्ट से जब कोई मिलने जाता था तो उनसे इतना इंप्रेस क्यों होता था, क्या है उसके पीछे का राज। मैं बताता हूँ, जब भी रूजवेल्ट से कोई मेहमान मिलने आने वाला होता था तो रूजवेल्ट उसके पहली रात को बैठकर उस सब्जेक्ट के बारे में पूरा पढ़ लेते थे जिसमें उस गेस्ट का इंटरेस्ट होता था, जिसके फलस्वरूप वो उससे वही बात करते थे जो उन गेस्ट्स के इंटरेस्ट में होता था, यानी कि क्रिकेटर से क्रिकेट की बातें, आर्टिस्ट से आर्ट की बातें और बुक राइटर से बुक्स की बातें। इससे वो गेस्ट्स भी उनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाते थे। दोस्तों यही है हमारा पांचवा टिप कि लोगों से उनके इंटरेस्ट के एरियाज में ही बात करने की कोशिश करें। एक और एग्जांपल लेते हैं मिस्टर हेनरी जी डिवनॉय का, जो कि न्यूयॉर्क के एक बेकिंग फर्म डिवनॉय एंड सन्स के मालिक थे। वो एक होटल को अपने कंपनी के ब्रेड्स बेचने की काफी वक्त से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उस होटल के मैनेजर को 4 साल से हर हफ्ते कॉल किए थे, यहाँ तक कि काफी बार तो वो उनके होटल में रूम्स लेकर भी रुके ताकि उनसे अपने बिजनेस की बात कर सके, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें अचानक एक तरीका सूझा। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि उस मैनेजर को किस चीज में इंटरेस्ट है, और उन्हें पता लगा कि वो मैनेजर होटल ग्रीटर्स ऑफ अमेरिका नाम के एक होटल एग्जीक्यूटिव सोसाइटी का हिस्सा है। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं है बल्कि उनकी उस सोसाइटी में इंटरेस्ट को देखकर उन्हें उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी चुना गया था। वो सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा पागल थे, इसीलिए डिवनॉय जब उनसे अगली बार मिले तो उन्होंने ग्रीटर सोसाइटी के बारे में ही उनसे बात की, और वाकई में गजब का रिस्पांस मिला। उस मैनेजर ने उनसे उस ग्रीटर सोसाइटी के बारे में कुछ आधे घंटे तक पूरे जोश के साथ बातचीत की। उस सोसाइटी के लिए उनका पागलपन और पैशन साफ झलकता था। इस दौरान डिवनॉय ने अपने ब्रेड बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं की। कुछ दिन बाद उस होटल के स्टीवर्ड ने उन्हें कॉल किया और उन्हें अपने ब्रेड सैंपल्स और उसके दाम की डिटेल्स के साथ आने को कहा। उनका काम हो गया था। आगे जाकर ना सिर्फ बिजनेस बल्कि उनके बीच काफी ज्यादा गहरी दोस्ती भी हो गई। दोस्तों इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो। ऐसे में अगर सामने वाला उनसे उनके इंटरेस्ट के ही एरिया में बात करे, उसमें दिलचस्पी दिखाए, तो लोग ऐसे इंसान के आसपास अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ ज्यादा जुड़ना चाहते हैं। छठा पॉइंट, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट। एक बार एक कनेक्टिकट अटर्नी मिस्टर आर अपनी बीवी के साथ उसके रिलेटिव से मिलने गए। वहाँ उनकी बीवी उन्हें उसकी बूढ़ी आंटी के पास छोड़कर कुछ और रिलेटिव से मिलने चली गई। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ बैठे बैठे बात शुरू करने के लिए ये देखा कि किस चीज से बात शुरू की जाए। ये घर 1890 के राउंड बना था ना, हाँ एग्जैक्टली उसी साल। ये मुझे उस घर की याद दिलाता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। आजकल ऐसे घर मिलते कहाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर है आपका। सही कहा, ये घर सपनों का घर है। मैंने और मेरे पति ने बहुत मेहनत से इसे बनाया है, किसी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली, खुद बनाया है। फिर उन्होंने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने भी उनके घर की उसमें रखी छोटी छोटी चीजों की खूब तारीफ की। फिर उसके बाद वो बूढ़ी आंटी उन्हें अपने गैराज ले गई। वहाँ एक पैकार्ड कार खड़ी थी जो बिल्कुल ही नए हालत में थी। मेरे पति ने अपने गुजरने से कुछ ही दिन पहले ये कार मेरे लिए खरीदा था, मगर उनके जाने के बाद मैंने इसे कभी नहीं चलाया। आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं चाहती हूँ कि ये कार आप रखें। ये सुनते ही मिस्टर आर चौंक गए, मैं रख लूं, मगर आप इसे अपने किसी रिश्तेदार को क्यों नहीं दे देती। फिर उन्होंने कहा कि उनके रिश्तेदार उनके मरने का ही इंतजार कर रहे हैं ताकि वो गाड़ी हड़प सकें, और वो इसे किसी और को बेचना नहीं चाहती क्योंकि वो उनके हस्बैंड ने उन्हें दिया था। मिस्टर आर की बातों ने उनके दिल को छू लिया था, इसलिए उन्होंने वो गाड़ी उन्हें ही देने का फैसला किया। तो देखा दोस्तों, किसी को इम्पोर्टेंट फील कराने, उनकी तारीफ करने से क्या होता है। अपने बुढ़ापे के अकेलेपन में उस बूढ़ी औरत को बस कुछ तारीफ से भरे, इज्जत से भरे बोल चाहिए थे जो उन्हें कोई नहीं देता था। जब मिस्टर आर ने उनके मेहनत से बनाए घर की तारीफ की तो वो उससे इतनी ज्यादा खुश हुई कि अपने पति की गाड़ी तक को उन्होंने तोहफे में दे दिया। जॉन डेवी ने कहा है कि इम्पोर्टेंट बनने की ख्वाहिश इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। यही वो चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। इसीलिए जब हम किसी भी इंसान को अपनी बातों से या अपने प्रयास से इम्पोर्टेंट फील कराते हैं तो हम तुरंत ही उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट टॉप पे, समरी स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने सीखा किसी भी इंसान के साथ इंटरेक्शन करने के 6 ऐसे टिप्स ताकि वो आपको दिल से पसंद करने लगे। पहला पॉइंट, उनमें जेन्युइनली इंटरेस्ट लें, उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करें, और जब उनसे मिलें तो जोश और एनर्जी के साथ उनसे बात करें। उन्हें दिखना चाहिए कि आप उनमें कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। दूसरा पॉइंट, स्माइल। हमेशा जब भी आप उनसे मिलें तो अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें, भले ही आपकी खुद की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, रिमेम्बर द पर्सन्स नेम। जो भी लोग आपसे मिलते हैं या जिनकी लाइफ में आप अहम जगह बनाना चाहते हैं, उनके नाम को अच्छे से याद रखिए सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, चाहे वो नाम मुश्किल ही क्यों ना हो। चौथा पॉइंट है, बी अ गुड लिसनर। जब भी वो कुछ कह रहे
रहे हो तो उसे ध्यान से सुने और उससे रिलेटेड जवाब भी दें, ताकि उन्हें भी लगे कि आप पूरे अटेंशन से उनकी बात सुन रहे हैं। पांचवा पॉइंट, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट। उनसे उनके इंटरेस्ट के एरिया में ही बात करें, इससे वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आपसे जुड़े रहना पसंद करेंगे। छठा पॉइंट, मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। जब भी मौका मिले तो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते रहें, उनकी चीजों को, उनके लाइफस्टाइल को या फिर उनके किसी स्किल या एट्रीब्यूट की तारीफ करें। तो बस दोस्तों, दुकान बंद करने का वक्त हो गया। अगर आपको ये किताब खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और इन टिप्स की मदद से हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।